हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में कि जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या करें, आपको माली हालत कैसी होगी, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, दूर देश की यात्रा का क्या होगा, आयात निर्यात से धन मिलेगा या विदेश यात्रा से धन मिलेगा, या खेल के क्षेत्र में आज आपको नाम होगा, या टेक्निकल फील्ड में काम करेंगे या मेडिकल फील्ड में काम करेंगे, सारी बातें हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट क्षेत्र में कार्य करेंगे, आपके अधीनस्थ और उच्चस्थ लोगों से कैसे संबंध रहेंगे, आपकी सोशल सर्विस कैसी रहेगी, और इसके साथ ही साथ हम आपको भी बताएंगे कि आज आपको सावधानियां क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, और आज आपको राजनीति में क्या सफलता मिलेगी, माली हालत कैसी रहेगी, मित्रों का कैसा सुख रहेगा, यदि लिटिगेशन इत्यादि है तो उसमें आपको विजयश्री मिलेगी या आपके विपक्ष में होगा, ये सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में कि जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन देखा जाए तो काफी संघर्ष से भरा रहेगा। संघर्षों से आज आपको सफलता मिलेगी। कोई चीज अचानक मिल जाए इस तरह का नहीं है। जो आप एफर्ट करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जो आपके उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसमें आज आपको काफी करीब तक पहुंच जाएंगे। माली हालत अच्छी होगी। छोटी छोटी बात को लेकर आप इरिटेट हो जाते हैं। जो व्यवहार आपको खराब लगता है उस तरह का व्यवहार आप दूसरों के साथ ना करें। आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का समय चल रहा है। जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं होंगी, जो कार्य रूप में प्रेरित करना चाहते हैं उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। माली हालत अच्छी होगी। रोग और शत्रु परास्त होंगे। माता पिता का सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी में कोई भी नए तरह का कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। यदि आप खिलाड़ी हैं, खेल के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए फील्ड आज आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेश में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, अगर विदेश में पढ़ना चाहते हैं या कोई नए करियर के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन आपका काफ़ी बेहतरीन है। उसमें जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। विदेश में शिक्षा के लिए आज का दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप फिल्मी दुनिया में फिल्म बनाना चाहते हैं या कोई नए तरह का प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर का काम करना चाहते हैं तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यदि आप मीडिया के क्षेत्र में नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं या सरकार में है या पुलिस में है या सेना में है तो आज आपका स्थानांतरण के साथ साथ पदोन्नत भी हो सकता है। संतान सुख मिलने की संभावना बन रही है। माली हालत आपकी बहुत ही अच्छी होगी। माता पिता का सुख मिलेगा। यदि प्रॉपर्टी रियल इस्टेट में अगर इस फील्ड में कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। बच्चों से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है। पत्नी से जो बहुत दिनों से चला रहा विवाद वो समाप्त होगा। पत्नी की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। आय और व्यय पर सामंजस्य स्थापित करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, जल्दबाजी में इमोशंस में आके कोई निर्णय नहीं लेना है। आज आपको उपाय क्या करना है, आज आप क्या करेंगे, सिद्धि कुंज का स्त्रोत्र का पाठ करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आपके लिए शुभ अंक नीला है और शुभ अंक आपके लिए 7 है और शुभ रंग नीला है। हरे कृष्ण।